हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिधि प्रिया क्रिएशंस में। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू देने वाली हूँ जो कि है IFB का माइक्रोवेव कन्वेंशन। ये माइक्रोवेव मैं लास्ट मुझे हो गया है आई थिंक 2 ईयर्स हो चुके हैं मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, और इसका जो मॉडल नंबर है वो 30BRC2 है, IFB 30BRC2। और ये जो है इसमें देखिए, आप साइड में देख रहे होंगे 3 ईयर्स की वारंटी भी मेंशन है साइड में। तो इसके बारे में मैं आपको आज रिव्यू देने वाली हूँ कि ये प्रोडक्ट किस तरीके का है और कैसे ये वर्क करता है और कितना ये यूजफुल है। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इसका ये अपर पोर्शन है, इसका अपर एरिया है, ये देखिए यहाँ पे इसके ऊपर भी एक स्टिकर लगा हुआ है जिसमें मेंशन है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हम बना सकते हैं या गर्म कर सकते हैं, जैसे कि बेवरेजेस हो गए, पॉपकॉर्न, राइस, केक, पिज्ज़ा, कुकीज एंड बारबेक्यू। सो मोस्टली मैंने तो इसमें केक ट्राई किया था, पिज़्ज़ा मैंने ट्राई कर चुकी हूँ अभी तक, और कुकीज़ मैंने ट्राई किए हैं। बाकी चीज़ें तो मैंने अभी नहीं किए ट्राई इसमें, बाकी मैं ये चीज़ें कर चुकी हूँ। आप लोग चाहें तो आप कर सकते हैं। और साइड में इसका देखिए ये ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे टाइमर सेट टाइमिंग आता है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, बेवरेजेस, पॉपकॉर्न, सेम ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप जो भी यहाँ पे बनाना चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। और टाइमिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जहाँ पे 10 मिनट्स मेंशन है और 10 सेकंड अगर चेंज करना चाहते हैं सेकंड के मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। एंड ये माइक्रोवेव कन्वेंशन भी है, माइक्रोवेव का भी काम करता है, अगर आपको नॉर्मल खाना गर्म करना है उसके लिए भी है, और कन्वेंशन का भी काम करता है, इसका कन्वेंशन मोड पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी ये खासियत है। और बाकी इसका आप लुक देख लीजिए, इस तरीके का है ये, साइज में ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। चलो आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे कैसे स्टार्ट करते हैं। मैंने स्विच वहाँ से ऑन कर दिया है, देखिए यहाँ पे ब्लू लाइट ऑन हो गई है, इसमें ऑटोमेटिकली टाइम आएगा 1:02 शो होता रहता है, उसके बाद हम इसे जाएंगे और एक बार मैं स्टार्ट देख लेती हूँ करके। यहाँ पे अगर हमें जितना भी टाइमिंग सेट करना है तो टाइमिंग हम करेंगे यहाँ से सेट, मैंने यहाँ पे टाइमिंग सेट किया है 10 मिनट्स मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद हम जाएंगे, अगर आपको इसका हीट अगर आपको वो चेंज करना है तो उसके लिए आप कन्वेंशन पे जाएंगे, पहले आप कन्वेंशन यूज कर लीजिए। कन्वेंशन पे हम गए, कन्वेंशन पे हमने जाने के बाद जितनी भी डिग्री आपने सिलेक्ट करना है वो आपने कर लिया, जैसे कि मैंने 180 कर चुकी हूँ मैं अभी तक, और उसके बाद टाइमिंग पे सेट करना है, टाइमिंग पे सेट किया ये देखिए 10 मिनट्स, और उसके बाद स्टार्ट कर देना है। ओवन वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, आपको साउंड भी आ रहा होगा। स्टॉप करना हो तो सेम प्रोसेस है, यहाँ पे जाएंगे स्टॉप पर रिसेट में और यहाँ पे से स्टॉप कर देंगे। उसके बाद अगर आपको नॉर्मल ये तो हो गया कि अगर आपको पिज्जा वगैरह बनाना है तो उसके लिए आप 15 मिनट से सिलेक्ट कर सकते हैं इसको, और कन्वेंशन पे जाके 180 डिग्री पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉर्मल अगर कुछ चाय टी वगैरह कुछ भी नॉर्मल गर्म करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे 1 मिनट पे, 1 बार दोबारा से इसे करने के लिए 2 बार प्रेस करना पड़ता है, यहाँ पे 1 पे जाएंगे, 2 पे, 2 मिनट इनफ होते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे तो 2 मिनट में आपकी चाय पानी जो भी आपको गर्म करना है इसके अंदर हो जाएगा, और स्टॉप कर देंगे और रिस्टार्ट करने के लिए दोबारा इसको प्रेस करना पड़ेगा, ऐसा शो होना चाहिए यहाँ पे रिस्टार्ट हो गया इसका मतलब। दोस्तों मैं आपको इसका अंदर से भी लुक दिखा देती हूँ कैसा है, ये देखिए हीटिंग का पोर्शन यहाँ से हीट आती है, ये एक प्लेट है, ये ग्लास की है और ये मूव करती है, इसी पे आप कुछ चीज़ रखते हो तो ये रोटेट करता है, ये मूव करता है और यहाँ से हीट आती रहती है, तो ये पूरा जो भी हमारा खाना या जो भी होगा वो गर्म हो जाता है। ठीक है, ये अंदर से कुछ इस तरह का लुक है इसका, देख लीजिए, और ये क्लीन भी कर सकते हैं आप इसको, खा के सेट क्लीन भी कर सकते हैं, इसको सेट करना होता है, इसको क्लीन भी कर सकते हैं।
बताती हूँ कि इसके साथ में मुझे क्या क्या मिला था। ये मैंने एक साल पहले अमेजोन से ऑर्डर किया था, तो इसमें मुझे क्या क्या मिला है, क्या क्या चीज़ें मेरे पास आई है, मैं आपको अभी क्या क्या एक्सेसरीज मेरे पास आई है मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये दो मुझे स्टैंड मिले थे, इडली स्टैंड, देखिए इसके साथ में एक ट्रे मिली थी, ये नॉनस्टिक की ट्रे है, ये पीछे से इसका लुक इस तरीके से, ये नॉनस्टिक की ट्रे है, इसमें मैंने कुकीज बनाई थी तो बहुत बहुत टेस्टी बनी थी कुकीज भी। और एक स्टैंड है, ये प्लास्टिक का स्टैंड है और इसके अंदर हम पापड़ हो गया, या अगर आपको पिज्जा गर्म करना है या कुछ भी पूरी वगैरह गर्म करनी है तो आप इस पे रख के गर्म कर सकते हैं। और ये बारबेक्यू के लिए ये स्टैंड दिया हुआ था इस तरीके का, ये देखिए। साथ में ये भी एक स्टैंड आया था, पिज्जा स्टैंड है ये, इसमें भी आप रख के पिज्जा गर्म कर सकते हैं। एक छोटा था, इसका साइज बड़े साइज में है और एक स्मॉल साइज में, दो साइज में आया है। इसके बाद स्टैंड है कुछ स्टैंड आया इसके साथ, इस तरह का एक आया था, इसमें आप खाना गर्म कर सकते हैं, इस तरह का एक टिफिन सा दिया हुआ है इन्होंने, ये पूरा कर इसके साथ में। और एक अच्छी सी दी हुई है इसको यहाँ पे स्टैंड करने के लिए, इन्होंने ये स्पेस भी दे रखा है, देखिए इस तरीके से स्टैंड कर सकते हैं। और एक कवर भी होगा प्रॉपर पीछे से ऐसा। सो दोस्तों, ये था IFP 30 BRC2 का रिव्यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।